बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। भविष्य फल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। 28 मार्च 2021 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? रविवार का दिन है, आज होलिका दहन भी होना है, ये दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? सबसे पहले बात करते हैं लकी नंबर वन की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उनका लकी नंबर बनता है 1। एक नंबर वालों के लिए आज का दिन शुभ है, आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला है। तो आप दिन की शुरुआत बड़े अच्छे से करें, हम बताएंगे क्या उपाय करके करें, और अपने वाणी का प्रयोग सोच समझ करके, विचार करके करिएगा, जिससे कि आपका मान सम्मान और बढ़े, उसमें आपके भाषा के प्रयोग की वजह से कोई कमी ना आए। दूसरा, अपने घर परिवार वालों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, मधुर वाणी का प्रयोग करना है, और उनको कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे कि वो दुखी हों, परेशान हों। किसी पर भी गुस्सा आज नहीं दिखाना है, क्रोध नहीं करना है, शांति बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। लकी नंबर वन वालों की दिन आपके लिए शुभ है, अच्छा दिन बीतेगा, घर में खुशहाली रहेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खान पान स्वास्थ्य के अनुकूल ही रखना है। तो दिन की शुरुआत कैसे करें? सुबह सूर्योदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करके सूर्य देव को प्रणाम करिए। इसके बाद जो है, आप मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज करना चाहते हैं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज का उपाय है, सूर्योदय से पहले उठना है, भगवान सूर्य को प्रणाम करना है। इसके बाद दिन में कभी भी जब आपको समय मिले तो किसी गरीब को, जो आपके घर में भोजन बने, वो भोजन दान कर दीजिएगा, बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं लकी नंबर दो की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, उनका लकी नंबर बनता है 2। दो नंबर वालों के लिए आज का दिन अपने घर परिवार वालों के साथ वक्त बिताने का है। तो कोशिश करिए कि आप अपने घर परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएँ, उनकी बातों को सुने, वो आपसे क्या अपेक्षाएं करते हैं उनको अवश्य पूरा करने का प्रयास करिए। और आपके मन में यदि कोई बात है जो आप बहुत दिनों से कह नहीं पा रहे थे, अपने फैमिली मेंबर्स से किसी से कोई बात कहना चाहते थे, कह नहीं पा रहे थे, तो आज उनसे आप अकेले में बैठ करके बात कर सकते हैं, उन्हें अपनी बात समझा सकते हैं, उसके लिए भी समय अनुकूल है। दिन अच्छा बीतेगा, आपका समय शुभ है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसलिए आज के दिन अपने घर के मंदिर में एक सुगंधित धूप अवश्य जलाइएगा और अपने इष्ट देव को प्रणाम करिएगा। इतना छोटा सा उपाय करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई लकी नंबर 3 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, उनका लकी नंबर बनता है 3। 3 नंबर वालों के लिए आज धन लाभ के योग बन रहे हैं, कहीं से आपको धन मिल सकता है, पैसा आ सकता है, यदि कहीं से आने वाला था तो वो प्राप्त हो जाएगा। अपनी तरफ से धन प्राप्ति के लिए आज प्रयास तेज करिएगा तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। और हाँ, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे बाद में आपकी चिंता बढ़े, टेंशन बढ़े। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा, यदि कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर दवाई लेते रहिए। दिन आपके लिए अनुकूल है, समय आपका अच्छा बीतेगा। उपाय क्या करें कि आज ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करें, बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं लकी नंबर 4 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, उनका लकी नंबर बनता है 4। 4 नंबर वालों की आज जिन लोगों से मुलाकात होगी, उन लोगों की सहायता से आपके काम आगे आने वाले दिनों में बनेंगे। तो यदि किसी से कोई मीटिंग करनी है, किसी से मुलाकात करनी है, तो आप कर सकते हैं, बात बनेगी। और हाँ, घर परिवार वालों से किसी भी तरह के मतभेद ना बढ़ने दें, घर में शांति बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो अपनी तरफ से पूरा पॉजिटिव होकर के घर में शांति बनाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि किसी से कोई बात कहनी है तो अभी रुक जाइए, आज मत कहिए, ऐसा ना हो कि वो नाराज़ हों और घर में कलह का वातावरण बने। तो शांति बनाए रखने की कोशिश अपनी तरफ से करना है। और हाँ, अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों
को आज कोई गिफ्ट दीजिए। आज का उपाय आपके लिए ये है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों को कोई गिफ्ट दें, कोई उपहार ला करके दें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। उनके आशीर्वाद से आने वाला समय बहुत अनुकूल बनेगा। बारी आ गई लकी नंबर 5 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, उनका लकी नंबर बनता है 5। 5 नंबर वालों के लिए आज का दिन शुभ है। मित्रों की मदद से धन लाभ होगा और जो आप कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी आज इनकम अच्छी हो सकती है, बिजनेस में फायदा हो सकता है। उपाय क्या करें कि आज गायत्री मंत्र का एक माला जाप करके दिन शुरू करें, बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई लकी नंबर 6 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 6। 6 नंबर वालों के लिए आज का दिन आपके यश सम्मान को बढ़ाने वाला है, तो नेम फेम कमाने का दिन है। अपनी तरफ से सकारात्मक सोच के साथ हर एक्टिविटी करनी है तो उसके अच्छे रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे। और हाँ, यदि आपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार वालों के साथ कोई वादा किया है तो उसे ज़रूर निभाइएगा। उपाय क्या करें, आज किसी गरीब को एक लाल रंग के फल का दान कर दें, बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं लकी नंबर 7 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, उनका लकी नंबर बनता है 7। 7 नंबर वालों के लिए आज का दिन बहुत लकी है, शुभ है। आप पूरी मेहनत से जो काम करेंगे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो यदि किसी से कोई बात करनी है, मीटिंग करनी है, कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं, वो आपके फेवर में होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। घर परिवार वालों के साथ मिल करके यदि कोई प्लानिंग करनी है फ्यूचर की, तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। आप योजना बना सकते हैं, या आपके मन में कोई योजना है तो अपने परिवार वालों से शेयर जरूर करिएगा, तभी उस पर डिसीजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें कि आज दुर्गा चालीसा पढ़ के दिन शुरू करें, बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई लकी नंबर 8 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, उनका लकी नंबर बनता है 8। 8 नंबर वालों के लिए आज का दिन अनुकूल है। घर परिवार वालों की मदद से आपके काम बनेंगे और उनके सहयोग से जो काम आप बहुत दिनों से नहीं कर पा रहे थे आज पूरे कर सकते हैं, तो आप उनकी मदद लेके अपने काम को निपटाने का प्रयास करिए। और हाँ, यदि मन में कोई सवाल है घर परिवार वालों से, वो सवाल करना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, तो आज कह दीजिए, बात बन जाएगी, आपका मन भी हल्का हो जाएगा और बात भी आपके फेवर में बन जाएगी, तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा। बस आपको अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव सोच के साथ कोई भी बात नहीं करनी है। उपाय क्या करें कि आज ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करें, बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई लकी नंबर 9 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, उनका लकी नंबर बनता है 9। 9 नंबर वालों के लिए आज का दिन शुभ है। मित्रों की मदद से जो काम आपके अधूरे पड़े थे उन्हें पूरे कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। और यदि कहीं इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं तो अभी रुक जाइए, कहीं धन लगाने के लिए ये समय अनुकूल नहीं है, अभी कुछ दिन रुक जाइए। अपने पैसों को कंट्रोल में रखने का प्रयास करिए, आपके खर्चे बढ़ने ना पाएँ, नहीं तो आगे चल के फंड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो खर्चों में कंट्रोल रखना इस समय बहुत ज़रूरी है। और हाँ, स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी लापरवाही मत करिएगा। उपाय क्या करें कि आज अपने घर के मंदिर में बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। भविष्य फल में आज बस इतना ही। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आप पर कृपा करें, आपके जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करें। इसलिए ज़रूर बोलिए जय श्री कृष्ण।